दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे डिजनरेटिव आर्थराइटिस के बारे में। दोस्तों डिजनरेटिव आर्थराइटिस क्या होती है, यह कैसे डेवलप होती है और ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए और इसकी होम्योपैथिक में कौन कौन सी मुख्य दवाएँ हैं, इसके बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों डिजेनरेटिव आर्थराइटिस का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ दीजिए। डिजेनरेटिव आर्थराइटिस का मतलब ये होता है कि जब आर्थराइटिस यानी जो जॉइंट्स में सूजन हो जाए और उसका कारण क्या हो कि डिजेनरेशन हो। ठीक है, डिजेनरेशन किस चीज़ में होता है दोस्तों? देखिए, लिगामेंट्स और कार्टिलेज ये दो चीज़ें हमारे जॉइंट्स को मजबूत बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। एक होता है टेंडन और एक होता है लिगामेंट्स। ठीक है, तो टेंडन का काम क्या होता है कि ये हमारे जो मसल्स होते हैं उनको जोड़ती हैं बोन से, और जो लिगामेंट्स होती हैं वो बोन को बोन से जोड़ती हैं। ठीक है, तो बोन को बोन से जोड़ती है वो लिगामेंट, और जो मसल्स को हड्डी से जोड़ती है वो होती है टेंडन। ठीक है, तो अब ऐसी कंडीशन में होता क्या है, इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये दो हड्डी है। ठीक है, अब ये दो हड्डी है तो इन दो हड्डी के बीच में क्या होता है कि एक तो लिगामेंट जुड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिगामेंट जुड़ा होगा और इधर जुड़ा होगा, तो ये हड्डी दोनों आपस में क्या होगी, जुड़ी रहेगी। ठीक है, ये होता है लिगामेंट का काम। तो लिगामेंट से ऐसे जुड़े रहते हैं, अब ये कई सारे लिगामेंट्स होते हैं। ठीक है, तो होता है क्या कि जैसे जैसे एज या अवस्था बढ़ती चली जाती है तो लिगामेंट्स में क्या होता है कि हम लोग चूंकि जब एक्सरसाइज करना कम कर देते हैं एक अवस्था के बाद में, तो उसके अंदर जो टोनिसिटी होती है, जो टोन होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होता चला जाता है। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब हम बिल्कुल से एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं एक अवस्था के बाद में, तो क्या होता है कि फिर ये धीरे धीरे कंडीशन ऐसी हो जाती है कि इसके अंदर में डिजेनरेशन होना शुरू हो जाता है। मतलब ये इतनी शिथिल हो जाती है कि थोड़ा भी क्रैक लगा, थोड़ा भी कुछ झटका लगा तो टूट जाती है लिगामेंट्स। ठीक है, तो ये होता है ऐसी कंडीशन में दोस्तों। ठीक है, अब ऐसे में एक तो कंडीशन ये हो गया। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा एक्सरसाइज हल्का फुल्का करते रहना चाहिए एज के हिसाब से। ठीक है, मैंने कहता कि बहुत ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन हाँ एक एज के हिसाब से थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते रहना चाहिए ताकि जो जो उसके अंदर मजबूती है, जो टोन है उसके अंदर में, वो बना रहे। ठीक है, प्लस एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन मैंने बताया कि टेंडन होता है जो कि हमारी जो मसल्स होती है उनको हड्डियों से जोड़ता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ये हड्डी है और ये मसल है। ठीक है, तो हड्डी मसल्स क्या होती है कि मसल का जो पोर्शन होता है वो वही आगे बढ़ करके, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हड्डी है और ये मसल, ऐसे समझ लेते हैं कि ये मान लीजिए मसल है, तो ये मसल्स का जो ये पोर्शन है ये थोड़ा सा पतला होते होते बन जाता है टेंडन, और ये जा करके हड्डी के ऊपर स्थापित हो जाता है। यहाँ पे ये इसको कैच कर लेता है, अच्छे से पकड़ लेता है, तो ये हमेशा लाइफ टाइम बना रहता है। तो लेकिन ऐसी कंडीशन कभी कभी डेवलप हो जाती है कि जबकि आप देखेंगे कि इसके अंदर भी वीकनेस आनी शुरू हो जाती है, डीजेनरेशन का प्रोसेस जिसको क्षरण का प्रोसेस बोलते हैं हिंदी में, ये शुरू हो जाता है और इसके अंदर भी वो मजबूती नहीं रहती है। कभी भी आप देखेंगे कि ये कभी कभी ढीला हो जाता है। जैसे क्या होता है कि एक टोन होता है ना मसल्स में, क्या होता है टोन होता है, आपने देखा होगा कि जब लोग यहाँ पे बाइसेप्स की जो मसल्स को करते हैं, तो जब जब तक वो करते रहते हैं एक्सरसाइज डम्बल और ये सारा कुछ, तब तक तो क्या होता है कि वो बिल्कुल टाइट रहता है, लेकिन जब करना छोड़ देते हो तो क्या होता है, इसकी जो टोन होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, शिथिल हो जाती है, ढीला पड़ जाता है मसल। तो अब ऐसे में आपने कई बार देखा होगा कि बोलते हैं ना कि चक्की उतर जाती है, कभी कभी पटेला उतर जाती है, या कहीं की वो होती है जो हड्डी होती है वो साइड में हो जाती है, अपनी जगह छोड़ देती है
बैठवाना पड़ता है उसको। तो ये सब कुछ कुछ चूँकि इसलिए होता है कि जो मसल्स है उसकी टोनिसिटी है वो धीरे धीरे क्या हो गई, ढीली पड़ गई, तो उसकी वजह से क्या होता है थोड़ा भी झटका लग जाता है तो ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो ये बात क्लियर समझ में आ गई आपकी कि ये दोनों कंडीशन में, ठीक है, एक कंडीशन ये है जिसमें लिगामेंट्स ढीले पड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, डिजनरेशन हो जाता है, टूटने के कारण क्या होता है कि वो अपनी जगह छोड़ देते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, पेनफुल होता है, चलने में तकलीफ़ होती है, जिस जगह पे होती है वहाँ पे दर्द होता है। और ये ज़्यादातर आप देखेंगे कि तकलीफ़ें आपको या तो नेक के रीजन में ज़्यादातर होती है या फिर लोअर बैक के कंडीशन में ज़्यादा होती है। होती तो और भी जगह पे है, और भी जॉइंट्स हैं, नी जॉइंट्स हैं, एल्बो है, और जगह पे भी होती है, लेकिन ये दो में बड़ा प्रोमिनेंट होता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि ऐसी कंडीशन में, ये तो समझ में आ गया आपको कि ये डिजेनरेटिव आर्थराइटिस किस वजह से होती है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसमें हमको करना क्या चाहिए, चूँकि ये कंडीशन ज़्यादातर ओल्ड एज में होती है, एक अवस्था के बाद में होती है, तो हमको इसका ध्यान देना चाहिए कि एक अवस्था के बाद में हमको एक्सरसाइज करनी, अगर हो गया कंडीशन, अगर नहीं हुआ है तो हमको हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते रहना चाहिए ताकि ये चीज़ें मेंटेन रहे, ठीक है। तेल से मालिश, जितने भी ज्वाइंट्स हमारे हैं तेल से मालिश होनी चाहिए उसकी, ठीक है, ताकि उसके अंदर में लुब्रिकेशन की कमी ना हो। प्लस जब तेल से मालिश करते हैं तो तेल जा करके हमारे अंदर भी एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद उसको भी मजबूती देता है, और इसमें बड़ा अच्छा तेल माना जाता है, तिल का तेल बहुत यूज़फुल होता है, ठीक है। और भी तेल होते हैं लेकिन ये भी जैतून का तेल बहुत अच्छा होता है, तिल का तेल अच्छा माना जाता है। तो ये तो एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, लेकिन अगर कंडीशन मान लीजिए डेवलप हो गई है, आर्थराइटिस की कंडीशन डेवलप हो गई डिजेनरेटिव, तो वैसी कंडीशन में क्या करना है कि वैसे में भी हमको एक्सरसाइज करते रहना, नहीं एक्सरसाइज करें तो क्या होगा, स्टिफनेस आ जाएगी, जकड़न आ जाएगी, उसको मूव करना पाना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। स्टिफनेस जैसे पेन ऐसी कंडीशन में डेवलप हो जाती है, तो हमको क्या करना है कि वैसी कंडीशन में भी हल्के फुल्के एक्सरसाइज, ज़्यादा नहीं लेकिन हल्के फुल्के एक्सरसाइज जो कि ईजी वे में हो, जिसमें इरप्शन मतलब टूटे ना जो लिगामेंट्स है या टेंडन्स है या और जो वहाँ के मस्कुलर चीज़ें हैं उसमें कोई भी बदलाव ना आए, इसलिए हमको इसका ध्यान देते रहना चाहिए कि कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते रहना चाहिए ताकि मूवमेंट बना रहे, कहने का सेंस ये है, ठीक है। तो ये ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ में खाने पीने में ऐसी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए जो लिगामेंट को बढ़ाती है, ठीक है, या कोलेजन फाइबर्स को बढ़ाती है बॉडी में, तो ऐसी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए, विटामिन्स मिनरल्स का पर्याप्त मात्रा में यूज़ करते रहना चाहिए। अब दोस्तों ये सारी बात तो हो गई इन सारी चीज़ों खाने पीने से और एक्सरसाइज और इन सारी चीज़ों के बारे में, अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथिक में ऐसी कौन सी दवा है जो इस कंडीशन में हेल्पफुल होती है। तो होम्योपैथिक में एक दवा है रस्टॉक्स, दोस्तों बहुत अच्छी दवा है, जब भी लिगामेंट्स में या टेंडन्स में अगर एब्रप्ट हो जाए, टूट जाए या कुछ ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाए, ठीक है, स्प्रेन आ जाता है, खिंचाव आ जाता है, तो इन सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छी दवा मानी जाती है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स में कंडीशन क्या होती है कि जब रस्टॉक्स का पेशेंट होता है उसको आप देखेंगे कि पेशेंट चलता फिरता रहता है तो उसको आराम रहता है, फर्स्ट मोमेंट पे पेशेंट को तकलीफ होती है, बिल्कुल रेस्ट में रहता है तो उसको तकलीफ होती है, लेकिन जब वो लगातार कंटिन्यूअस में चलना फिरना शुरू कर देता है, गर्म हो जाती है बॉडी कहते हैं, तो उसको आराम मिलता है, ये रस्टॉक्स का बहुत बड़ा सिम्टम है। दूसरा सिम्टम रस्टॉक्स का है कि जीभ देखेंगे अगर आप, तो जीभ का आगे का जो पोर्शन होता है वो ट्रायंगुलर होता है, मतलब ट्रायंगुलर रेड होता है, ट्रायंगुलर टिप इसको बोलते हैं। जीभ का आगे का जो पोर्शन अगर आप देखेंगे तो वो तिकोने में लालिमा ये होता है, रेड होता है, ये एक बड़ा सिम्टम होता है। इसके साथ साथ में दांतों के निशान जीभ के साइड साइड में दांतों के निशान होते हैं, जीभ थोड़ी फुलफुली हो सकती है, नॉर्मल कंडीशन में भी हो सकती है, प्यास हो सकती है पेशेंट को, पेशेंट फिजिकली बड़ा बेचैन रहता है, मानसिक रूप से नहीं, फिजिकली शारीरिक रूप से बड़ा बेचैनी उसको महसूस होती है, इसलिए वो एक जगह पर स्थिर नहीं रहना चाहता है, एक जगह स्थिर रहता है तो उसकी तकलीफ बढ़ जाती है, लेटता है तो तकलीफ उसकी बढ़ जाती है, चलता फिरता रहता है तो आराम मिलता है। तो इस सिम्टम पे बहुत अच्छी काम करती है रस्टॉक्स दोस्तों, ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन हो तो वहाँ पे देने पे बहुत अच्छा फ़ायदा भी मिलता है। इसके अलावा एक दूसरी दवा है जिसको बोलते हैं बेलिस्पी, बेलिस्पी भी बहुत अच्छी दवा है ऐसी कंडीशन में जबकि लिगामेंट्स या टेंडन्स में अगर टूट फूट हो जाए, तो वैसी कंडीशन के लिए एक अच्छी दवा है बेलिस्पी भी। इसके अलावा दोस्तों
सल्फर एक बेहतरीन दवा है इन सारी कंडीशंस के लिए। और किसी भी बीमारी की जब शुरुआत की जाती है तो मुझे लगता है कि सल्फर वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है शुरू करने के लिए। एक और दवा है दोस्तों, कैल्केरिया कार्ब। कैल्केरिया कार्ब और कैल्केरिया फॉस, ये दोनों दवाएं बहुत अच्छा काम करती है। कैल्केरिया कार्ब ऐसी कंडीशन के लिए जबकि बहुत पुराना हो जाए कोई भी केस, है ना, तो वैसी कंडीशन के लिए या स्प्रेन है बहुत पुराना हो जाए या कोई लिगामेंट्स टूट गया है पुराना हो जाए, तो वैसी कंडीशन के लिए बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा कैल्केरिया कार्ब के जो बेसिक सिम्टम्स होते हैं उसका भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बेसिक सिम्टम में क्या आता है कि पेशेंट को अगर आप देखें कैल्केरिया कार्ब का, तो हेल्दी होता है, फैट फेयर फ्लैबी बोलते हैं ना, मोटा होता है, थुलथुल होता है, शरीर में जान नहीं होती है, दिखने में बड़ा गोरा चिट्टा महसूस होता है, स्मार्ट सा होता है पेशेंट, ठीक है। और लेकिन एक खास बात होती है, तो शरीर में जान नहीं रहती है, तो अभी सीढ़ी चढ़ना होगा तो उसकी सांस फूलने लग जाती है, पेशेंट को पसीना आने लगता है बहुत जल्दी, तो अभी काम कर देगा पसीना आ जाएगा, और पसीना स्पेशली कहाँ पर आता है, चेहरे पर, माथे पर, सिर में और गर्दन पर, सिर में और गर्दन पर ज़्यादातर पसीना होता है। इवन कंडीशन ऐसी होती है पेशेंट अगर रात में लेट जाए या लेट या लेटा रहे तो उसको क्या होता है कि ये गर्दन भीग जाती है, कभी तकिए पे पसीना चला जाता है, तो ये कैल्केरिया कार्ब का बहुत अच्छा सिम्टम माना जाता है दोस्तों। पेशेंट को खाने पीने में नमक की बड़ी चाहत होती है, मीठा भी खाता है, नमक की ज़्यादा चाहत होती है, ठंडा पानी पीना अच्छा लगता है पेशेंट को, तो ये सारे कैल्केरिया कार्ब के की नोट सिम्टम्स है दोस्तों, जिसके आधार पर कैल्केरिया कार्ब को हम पहचान सकते हैं, ठीक है। और जब भी ऐसी कंडीशन हो, अगर वैसा कोई पेशेंट दिखता है आपको, तो आप सल्फर 1 mm लेकर के साथ में कैल्केरिया कार्ब को 200 पोटेंसी में रिपीटेड डोज में दे सकते हैं, जैसी कंडीशन हो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो ये भी एक अच्छी दवा है दोस्तों। इस तरह से बहुत सारी दवा, जैसे बैक की कंडीशन अगर हो जाती है, कमर में दर्द है, तो वहाँ पर नेट्रम्यूर बहुत अच्छी काम करती है, CPR बहुत अच्छा काम करती है, पल्सर्टीला, काली कार्ब, इवन एस्कुलस हिप बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों, ठीक है। तो इन सारी, ये बैकेक की मैंने बात की आपसे, कमर में दर्द हो नीचे साइड में, तो उसमें ये दवाएं बहुत अच्छा काम करती हैं। इवन जॉइंट्स में अगर पेन हो, जॉइंट्स में क्रैक क्रैक की आवाज़ आए, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि बेंजोइक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये दवाएं बहुत अच्छा काम करती है, लीडम पाल बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों ये कई सारी दवाएँ हैं अलग अलग सिम्टम्स को बेस करके, कुछ मोटा मोटा मैंने सिम्टम्स आपको बताया, तो इन सिम्टम्स के आधार पर अगर आप इन दवाओं को देते हैं या इसमें से जो सूटेबल है, ठीक है। अब इसमें से कोई पर्टिकुलर दवा के बारे में जानना हो तो आप मेरे YouTube चैनल पर चले जाइए, वहाँ पे आपको इन अलग अलग दवाओं का पूरा सिम्टम आपको मिल जाएगा कि कौन कौन सी दवा कैसे कैसे काम करती है, तो आप वहाँ से उसके जो कीनोट सिम्टम्स है वो आप वहाँ पर जाके फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी जानकारी रही आज डिजनरेटिव आर्थराइटिस के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई हो दोस्तों, तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा कि कैसा आपको लगा और आगे किस टॉपिक पर आप लोग वीडियो चाहते हैं। फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।